नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमने अपने गार्डन में कौन कौन से औषधीय पौधे लगा रखे हैं, यानी कि हर्ब प्लांट्स। अपने गार्डन में आयुर्वेदिक पौधे जरूर उगाइए जिनके मेडिसिनल बेनिफिट हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमें इस चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मैं एक एक करके उन आयुर्वेदिक पौधों को बताऊंगा, उनके जो बेनिफिट हैं, मेडिकल बेनिफिट हैं, वो भी हम बताएंगे, साथ ही साथ वो कैसे लगाए जा सकते हैं ये पूरी जानकारी इस वीडियो में होगी। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप उसे प्रॉपर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे आसानी से जो हर प्लांट लगाया जा सकता है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो आपके पीछे है। एक बार पहचान लीजिए, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हमारा खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, आजकल कॉमनली ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो रही है, और ये शुगर को कंट्रोल करने वाला एक आयुर्वेदिक प्लांट है। आप में से बहुत सारे इसके बारे में जानते होंगे, इसे इंसुलिन के नाम से ही जाना जाता है। एक्चुअली इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनका प्रयोग जो है सुबह खाली पेट एक दो पत्ती जो है चबा चबा कर निगली जाती है, और उसके बाद जो है पानी पिया जाता है। इस पौधे को लगाना बहुत सरल है। गर्मी और बरसात के मौसम में ये सेल्फ प्रोपेगेट होता है। मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ आपको, इसके नीचे से बहुत सारे नए प्लांट निकलते हैं। इन प्लांट को आप जो है कहीं भी लगा कर इस पौधे को जो है ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को जो है आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। अब मैं जिस आयुर्वेदिक पौधे को आपको दिखाने वाला हूँ, ये तो एकदम जादू है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई या शुगर हो गई, और मैं कहूँ कि अब आप मीठा खाना ही छोड़ देंगे, तो आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें मीठा खाने की ज़्यादा ललक हो जाती है। लेकिन मेरे पीछे जो आप पौधा देख पा रहे हैं ना, ये पौधा ऐसा जादू करता है, ये देख लीजिए एक बार इसकी पत्तियाँ, देखिए पास से, कि अगर इसकी एक दो पत्ते आप चब लेंगे ना, तो मीठा खाना ही छोड़ देंगे। जी हाँ, ये है आपका गुड़मार। गुड़मार एक ऐसा पौधा है, इसकी पत्तियाँ अगर आप चबेंगे तो दो तीन घंटे तक आपको मीठे का एहसास नहीं होगा। धीरे धीरे ये हमारे मीठे खाने की ललक जो ख़त्म कर देगा, और जो हमारा इंसुलिन का लेवल है वो भी नॉर्मल रहने लगेगा। तो अपने गार्डन में जो है आप इंसुलिन ज़रूर लगाइएगा। ये वाइन के तरीके से चलता है, ये देखिए, और ये भी केवल सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, सीड भी आते हैं, लेकिन ये कटिंग ग्रो है, कटिंग से ईजिली जो है ग्रो हो जाता है। तो दूसरा पौधा गुड़मार। अब मैं जो आयुर्वेदिक पौधा आपको दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर तो आप एकदम चौंक जाएंगे। 100 रोगों की दवा है। आपको लगातार बुखार रहता है, आपका सिर दर्द करता है, जॉइंट पेन है यानी कि जोड़ों के दर्द हैं, जो गठिया होता है उसका दर्द है, उसमें इस पौधे का जो है प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। एक बार अच्छे से पहचान लीजिए, इस तरीके से ये ग्रो करता है। उत्तराखंड में ये पहाड़ों में काफ़ी पाया जाता है। इसे बोला जाता है निर्गुणी या समालू का पौधा। आप में से कुछ लोग अगर इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ जानते हों तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इनके बहुत सारे लाभ हैं, मैं तो कुछ जो है बेनिफिट ही आपको बता पा रहा हूँ। केवल इसके सैकड़ों हजारों लाभ हैं जो कि इस पौधे को आप इजीली अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये मुझे एक ऑनलाइन नर्सरी पर मिला था, आसानी से नहीं मिलता, ये थोड़ा खोजना पड़ता है। पहले इसके बड़े बड़े जो है पौधे हुआ करते थे। पुराने ज़माने में जब कोल्ड और कफ के सिरप नहीं हुआ करते थे, लोगों को अगर सीने में कफ की शिकायत रहती थी या बार बार उन्हें खांसी होती थी, तो ये पौधा उनकी जो है हेल्प करता था। एक बार पौधे को अच्छे तरीके से पहचान लीजिए। इस पौधे का पंचांग, पत्तियों का अर्क और इसके फूलों का जो है सेवन किसी भी तरह के जो हमारे कफ या कोल्ड संबंधी परेशानियाँ, खासकर खांसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उसके लिए लंबे समय तक इसका जो है प्रयोग किया जाता रहा है। एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। इसे सामान्य भाषा में अड़ूसा या बसा बोला जाता है। जी हाँ, कफ, खांसी और फेफड़ों के लिए आयुर्वेद में इस पौधे का बड़े स्तर पे जो है प्रयोग किया जाता रहा है। इसके सीड आते हैं इस पर, और ये कटिंग से भी जो है ग्रो हो जाता है। बस ध्यान यही रखना है कि इसके लिए थोड़ा सा गर्म या रैनी मौसम होना चाहिए। अगले नंबर पे जो आयुर्वेदिक पौधा है, एक्चुअली इसे हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये है आपके सामने, देख लीजिए, बीटल यानी कि पान का पौधा।
गले की खराश के लिए, गले में अगर खराश है या फिर खांसी हो रही है या फिर आपका जो है कैल्शियम लेवल कम है, तो पान का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। पान इजी टू ग्रो होता है, जल्दी एक वीडियो लाएंगे हम, कटिंग से ये ग्रो हो जाता है और लीफ से भी ये ग्रो हो जाता है, वो एक ही बात है कटिंग और लीफ से। तो पान भी एक हर्ब प्लांट है और ये हमारे आयुर्वेद में ऐसे ही शामिल नहीं किया गया है, हमारे दैनिक जीवन में से इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि केवल हमें चबाना है, इसके जो मेडिसिनल यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पान भी आप अपने यहाँ जरूर लगाइएगा। अगला आयुर्वेदिक पौधा एक बार आप देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे, अपराजिता। ब्लू वाली, वाइट वाली, ये दोनों तरह की जो अपराजिता हैं उसमें सिंगल पीटल, डबल पीटल, ये सभी जो है काफ़ी फायदेमंद हैं। इनकी जो चाय है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने के लिए, आपके हेयर प्रॉब्लम को सही करने के लिए काफ़ी काम आती हैं। तो इस पौधे को आप अपने यहाँ शो प्लांट के तौर पे अक्सर अभी तक लगाते रहे होंगे, लेकिन आप गूगल कीजिएगा, अमेजन कीजिएगा, इसकी जो ये पत्तियाँ ना फूलों की, इसकी जो है चाय बड़े महंगे दामों पे जो है सेल हो रही होती है। तो इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे हैं, एक बार आप गूगल करेंगे, अच्छी आयुर्वेदिक किताब देखेंगे ना, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सीखने को मिल जाएंगी। तो उसे भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा। हर प्लांट में अगले नंबर पे है हमारा पेट की समस्याओं के लिए जो पौधा है, वो मैं आपको दिखाने वाला। ये देखिए, पहचान लीजिए, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसे, और ये पथरी संबंधित समस्याओं में काम आता है। पत्थर चट्टा इसलिए बोलते हैं कि पत्तियों से इसकी नई लीफ जो है ग्रो हो जाती हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मूत्रवर्धक हैं। अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो इसकी एक दो लीफ प्रतिदिन सुबह खाली पेट चबा चबा के निगलनी है, ऊपर से 4-5 गिलास जो है फ्रेश पानी पीना है। ज़्यादा पानी पियेंगे पेशाब ज़्यादा आएगी और जो पथरी है वो कट कट के जो है बाहर निकल जाएगी। ये इजी टू ग्रो है, गमले में आसानी से लगाया जा सकता है, ज़मीन पे आसानी से लगाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। यहाँ ज़रूर लगाइएगा और ये देखने में भी हरा भरा एकदम रहता है, बहुत मस्त लगता है। अगला मेडिसिनल जो प्लांट है उसे दिखाने के लिए मुझे थोड़ी गहराई से आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ दो मेडिसिनल प्लांट है एक्चुअली, पहले मैं एक लता के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये जो दिख रही है ना, पहचानिए, ये है भैया असली चमेली। इसमें जो सफ़ेद फूल आते हैं ये चमेली की वाइन है, ठीक है, देख लीजिए। लेकिन ये चमेली जो है किस काम आती है, छालों के लिए। आपके ऐसे छाले जो कैसे भी सही नहीं हो रहे हैं, पेट में भी पहुंचते जा रहे हैं, तो इसके जो पत्तियां हैं ये एक एक दो दो, ये 5-7 पत्तियां ले रही हैं, 5। और ध्यान रखिए भाई, ये बहुत कड़वी होती हैं, खाली पेट जो है चबा चबा के निकल जाना है, हो सकता है आपको उल्टी हो जाए, और उल्टी होगी उतना ही फायदेमंद है। एक दिन चबाइए, एक दिन में ही आराम मिल जाएगा। छोटे बच्चों को इसे यूज मत करने दीजिए क्योंकि बहुत तीखी कड़वी होती हैं ये, और ऐसे कटिंग से लगाया जा सकता है। फूल भी बहुत अच्छा आता है इस पर, बहुत बढ़िया दिखने में होता है ये। अगला जो हर्ब प्लांट है बहुत ही फेमस है, जब डॉक्टर मना कर देते हैं किसी चीज़ में तब ये काम करता है, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये देखिए, ये वाली ऊपर, ये जो लता जा रही है ये है आपकी बेधारा, और ये फोड़ों के लिए रामबाण उपाय है। जो फोड़ा किसी दवा से सही नहीं हो रहा है, अगर उसे बैठाना है तो इसकी ये जो लीफ होती है ये इस तरफ से देसी गाय का घी लगा के लगाया जाता है, थोड़ा गर्म करके, और अगर उसे फोड़ना है फोड़े को तो इस तरफ से इसे लगाया जाता है। तो ये भी एक हर्ब प्लांट है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। अगर आप अपने घर पर छाया करना चाहते हैं, वाइन को चढ़ाना चाहते हैं, तो ये हर्ब प्लांट आपके काफ़ी काम का है। ये जो हर प्लांट है ये शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। YouTube पे इसके बहुत सारे वायरल वीडियो आपने जो है देखे होंगे। तो एक बार इसे अच्छे से पहचान लीजिए, इसकी पत्तियों का प्रयोग जो है वैद्य लोग करते हैं, आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ दवाएं, मैं कहता हूँ सभी दवाएं वैद्य या डॉक्टर की देख रेख में ही जो है यूज़ करनी चाहिए। यह है आपका अतिबला का पौधा, और ये सुपर जो है
पावर के लिए यूज किया जाता है एक्चुअली, शारीरिक कमजोरी होने पर इसका जो है प्रयोग करते हैं, और ये ताकत देने वाला जो है हर प्लांट है। ये इजी टू ग्रो होता है, झाड़ झंकार सड़क किनारे रोड साइड ये इजीली आपको मिल जाएगा। इसकी पहचान होती है, इसकी जो है जो फल होते हैं वो इसके पहचान हैं। अगर आप दाद से परेशान हैं और आपके पास थोड़ी जगह है, तो दाद के लिए सबसे बढ़िया जो हर प्लांट है, आयुर्वेदिक पौधा है, वो अभी मुझे यहीं मिल गया मेरे सामने। एक बार इसे अच्छे तरीके से पहचान लीजिए। ये रोड के किनारे आपको मिलेगा, ऐसे देखिए इस तरीके से। देखिए इसे बोलते हैं हम पापड़ी, और इसकी पत्तियों का जो ये कोमल कोमल पत्तियां लेकर जहां दाद है वहां लगाया जाता है, लेकिन ये जलन पैदा करता है, तो थोड़ा भैया सावधानी से लगाइएगा। और ऐसा नहीं है ये दाग भी बनाता है, तो चेहरे पे इसे यूज मत कीजिएगा, लेकिन आप इसे इजीली लगा सकते हैं, ये ऐसे ही आपको ग्रो हुआ मिल जाएगा। नॉर्मल हर्ब में अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय छोड़िए, मैं कहूँगा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस टी को यूज़ कीजिए। पतला होना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गया है, फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये लगाइए भैया। ये है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास की जो अगर आप सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ इसकी कुछ पत्तियाँ शहद के साथ लेंगे ना, तो वेट लॉस भी होगा और जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी सुधार होगा। यह पौधा इजी टू ग्रो होता है, इसमें से नीचे से बहुत सारे कंद निकलते हैं जिन्हें आप सेपरेट करके कहीं भी लगा सकते हैं, और अभी बिल्कुल सही सीजन चल रहा है इसे लगाने का, तो आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। अगर आप बालों की समस्या से परेशान हैं, बाल टूट रहे हैं, दो मोए हो गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बाजार में आप जब भी जाएंगे तो एक ही नाम सुनने को मिलेगा आपको, भृंगराज। जी हाँ, भृंगराज भी एक हर प्लांट है जो इजी टू ग्रो है, गार्डन में आप लगा सकते हैं। चलिए तो मैं थोड़ा सा खेतों में पहुँचाऊँ, अपने ही गार्डन में दिखाता हूँ कैसे भी आप कैसे लगाएंगे। तो पहले मैं पहचान करना बता देता हूँ, ये देखिए ये है आपका भृंगराज, महाभृंगराज का पौधा है। लीफ इसकी देख लीजिए और फ्लावर भी आप देख लीजिए, ये देखिए इसका जो है फ्लावर ये है। तो भृंगराज मुख्यतः सिर में जो है बाल हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इस पौधे को आप कहीं खेतों में जाके निकाल लाइए, मिट्टी के साथ गमले में लगा दीजिए, और अगर सीड मिल जाए तो सीड से ये बीट के तरीके से यानी घास फूस के तरीके से आसानी से जो है ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को अपने यहाँ जरूर लगाइएगा। कुछ समय पहले तक 2000 रुपए किलो तक ये सेल होती थी, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से ये फायदेमंद है। भगवती लक्ष्मी को, भगवती भद्रकाली को ये बहुत पसंद है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता रहा है। यह है आपकी ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। और काली हल्दी की पहचान यह है कि इसकी पत्तियों के बीच में आपको एक काली रो इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इजी टू ग्रो है, ये अप्रैल में लगाई जाती है, इस समय भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके सीड आते हैं, कंद आता है, और नीचे इसके बहुत सारे कंद बनते हैं, यहाँ पे हल्दी निकलेगी, और उसी का प्रयोग जो है आप अपने दवा के लिए या दैनिक खाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे अपने गार्डन में जरूर लगा के रखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। अगला जो हर प्लांट है वो भी आपको खेतों में ही मिलेगा, एक बार देख लीजिए। बार बार पीलिया होता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम है, लीवर आपका कमज़ोर हो गया है, खाते हैं कुछ भी पचता नहीं है या कुछ भी लगता नहीं है, तो जब आप बाजार जाएंगे तो इसका चूर्ण या फिर इसका पंचांग आपको जो है मिलेगा। वैद्य या डॉक्टर आपको जो सलाह देंगे वो आयुर्वेदिक चीज़ों की देंगे। तो ये है आपका भूई आंवला या भूमि आंवला, देख लीजिए एक बार, पत्तियाँ इसकी कुछ इस तरीके से होती हैं। सुबह खाली पेट 4-6 पत्तियाँ वैसे ही चब लिया कीजिए, तो उससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन शुरुआत में कम पत्तियाँ यूज़ करनी है। और अगर आप स्वास्थ्य से सही हैं तो फिर यूज मत कीजिएगा, क्योंकि खामखां कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसे लगाना बहुत सरल है, इस पर सीड आते हैं बहुत सारे बारीक, और इसके पौधे आपको ऐसे ही खेतों के आसपास रोड साइड मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने गमले में लगा सकते हैं। अगले आयुर्वेदिक प्लांट में इस पौधे को बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, आप पहचान गए होंगे, इसके बिना आयुर्वेद की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अमर फल बोला जाता है, उम्र बढ़ाने के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, पेट संबंधी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, मैं कहूँगा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इसका प्रयोग ना किया जाता रहा हो। यह है भैया आपका आंवला। तो आजकल आंवला हाइब्रिड वेराइटी आ रही है, गमलों में लग जाती हैं, जिसके फल काफ़ी काम आते हैं, इसकी पत्तियाँ काफ़ी काम आती हैं,
तो आंवला अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा। अगर मैं कहूं कि 90 साल की उम्र में भी आपके दांत नहीं गिरेंगे अगर प्रतिदिन इस पौधे की जड़ से आप जो है दातून करते रहें, 1000 रोगों की दवा इससे बनती है, बहुत सारे तंत्र मंत्र पूजा पाठ में ये यूज किया जाता रहा है, भारत के अलावा हर राज्य में इसे लोग जानते हैं, गांव में तो कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा जो इसके बारे में आपको बताई देगा। हमारे यहाँ इसे बोला जाता है उल्टा लपा या चिड़चिड़ा, इसके जो बाली आती है उस पर कांटे से आते हैं जो कि चिपक जाते हैं अक्सर। तो इस पौधे का प्रयोग सामान्यतः बहुत सारी दवाओं में किया जाता है, आप गार्डन में इसे एज ए हर्ब ग्रो कर सकते हैं और प्रतिदिन इसकी लकड़ी से या रूट से दातून कीजिएगा तो जो डेंटेड जो दांतों की प्रॉब्लम है, डेंटल वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम फील होगी ही नहीं। और इसके सीड से ये ग्रो होता है, इस समय इसके ग्रो होने का सीजन है, आपको पौधे ऐसे ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने गमले में लगा लें। ये आपको वेस्ट बंगाल या बड़े बड़े होटल्स में एज ए हेज के रूप में ग्रो किया हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक हर्ब प्लांट है और हड्डी टूटने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो नुस्खा है वो हर व्यक्ति को नहीं पता है, कुछ जो जानकार व्यक्ति होते हैं उन्हें ही पता होता है। पानी के आसपास मिलता है, पानी में ग्रो हो जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है वाटर बेम्बो। बांस के तरीके से कुछ शेप होती है, पानी में ग्रो होता है, तो इसे भी आप डेकोरेट की जगह अगर उगा रहे हैं तो हर्ब के तौर पर भी उगा सकते हैं, अगर कोई सही जानकार मिल जाए तो इसका प्रयोग जो है अपने दवा में कर सकता है। ऐसे तो लगभग सभी ग्रो करते हैं और दक्षिण भारत में तो इसके बिना मैं कहूँगा कि कुछ हो ही नहीं सकता है। गुजरात में भी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सांभर में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है अगर आप गंजे होते जा रहे हैं तो इसकी पत्तियों को पानी में डाल के बॉयल कीजिए, उस पानी को यूज़ कीजिए। यह है आपका मीठा नीब, नीबड़ा, कड़ी पत्ता, कैरी लीफ प्लांट, जो कि हर गार्डन में होना चाहिए भैया। इसे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप इसे लगाइएगा ज़रूर, पर है उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिट देने वाला है। तो मीठा नीम जरूर लगाइएगा, गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कैरी लीफ का कितना बड़ा पौधा जो है, ये देखिए 12 इंच के गमले में ग्रो हो रहा है, ये देखिए आप भी इसे इजीली लगा सकते हैं। इस हर्ब का तो जो पत्तियों का पाउडर है वो भैया 12000 रुपये किलो तक सेल हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में बच्चों को दिया जाता है और तो और जिम वाले जो लड़के हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करता है, अंदरूनी एनर्जी देता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, आप तो पहचान गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, मोरिंगा डोमेस्टिक सहजन, इसकी फलियों का अचार पड़ता है, सब्जी बनाई जाती है, पत्तियों से जो है भाजी बनाकर आप जो है खा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि अपने दैनिक जीवन में आप मोरिंगा को किसी ना किसी रूप में खाना शुरू कर दीजिए, ये काफ़ी फायदेमंद है। तो गार्डन में से एक या दो पौधे इसके लगा के रखिएगा, जमीन का गार्डन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने हर्ब बताए हैं तो तुलसी को मत भूल जाइएगा, तुलसी तो 100 हर्बों का भी एक हर्ब है, ये किंग ऑफ हर्ब कहूँगा मैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार मलेरिया टाइफाइड फोड़े फुंसी चर्म रोग, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें आप तुलसी जी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो तुलसी की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, ये नॉर्मल तुलसी है, इसमें एक काली तुलसी आती है और ये है आपकी बन तुलसी, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, पशुओं के रोगों में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, तीखी महक होती है इसकी। तो तुलसी को अपने गार्डन में ज़रूर लगा के रखिएगा, 4-5 वैरायटी हर तरह की तुलसी को, और 10-15 गमलों में लगा के रखिए, एक दो पौधा नहीं 10-15 पौधे लगा के रखिएगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, छोटे छोटे मौसम बदलने पर बीमार हो जाते हैं, तो सबसे बढ़िया जो हर्ब है जो कि आपके गार्डन में होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोरोना में इससे करोड़ों अरबों रुपए पैदा किए हैं, यह है भैया अमृता गिलोय। इसकी पत्तियां, जड़ और इसकी जो रूट्स है वो भी, और तना तो काम आता ही आता है, इसे लगाना बहुत ही आसान है, कटिंग से ग्रो हो जाती है और इसकी जो आप लीफ यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी ओल्ड होनी चाहिए, नई लीफ नहीं ले सकते आप इसका ज़्यादा फायदा लेने के लिए। इसे ग्रो करने का जो प्रॉपर टाइम है वो गर्मी सही है, गर्मी में इजी टू ग्रो है, बरसात में आपको इंडोर ग्रो करना होगा वरना ज़्यादा पानी होने पर इसकी जो कटिंग है वो सड़ सकती है। ये हर्ब तो नहीं है, वेजिटेबल्स है, लेकिन हर्ब से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है, दाद के लिए परमानेंट दवा है, कैसा भी दाद हो, अगर आपके वास्तव में दाद है वो कहीं भी है, चेहरे पर हो, बाजू पर हो, कहीं भी हो, 2-3 बार में सही हो जाएगा। इसकी ये पत्तियां जो है लेनी है
और मसल कर ऐसे रस निकाल कर जो है दांत पे लगा लेना है सप्ताह में 2-3 बार। ये है आपकी बीन्स या सेम की पत्तियाँ, वेजिटेबल्स है। अभी बिल्कुल सही राइट सीजन चल रहा है इसे ग्रो करने का, तो सब्जी भी खाइए और जो है जो मेडिसिनल फ़ायदा है वो भी आप इससे जो है ले सकते हैं। ये हमेशा से हर्व था, लेकिन इसके जो उपयोगिता है वो हमें कोरोना काल में पते चली है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, पेट संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये रामबाण उपाय है। ये है आपका पपीता, पपीते की पत्तियाँ, फल और इसमें से निकलने वाला द्रव बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा करता है। बहुत सारी दवाओं में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं हर बार अपने बगीचे में हर साल 3-4 नए पौधे, 5 पौधे हर साल लगाता हूँ, क्योंकि इसके फल और इसकी पत्तियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो पपीते को अपने गार्डन में ज़रूर लगा के रखिएगा, ये भी काफ़ी फायदेमंद चीज़ है।